हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए क्रॉस एम्ब्रॉयडरी में बेडशीट के लिए न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन लाई हूँ। ये बॉर्डर लाइन डिज़ाइन है, पूरे बेडशीट में आप बनाएं बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अभी तक आपने इस तरीके का बॉर्डर लाइन डिज़ाइन नहीं देखी होंगी, तो आप ये डिज़ाइन हमारी वीडियो से सीख सकती हैं किस तरीके से आप बनाएँ, तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। मैंने ये डिज़ाइन पूरा सिंगल घर पर बनाया है। ये देखिए, मैंने एक के ऊपर एक क्रॉस बनाया है, तो मैंने 5 क्रॉस बनाया है। फिर एक घर ऊपर से मैंने लिया है, तो साइड में मैंने देखिए यहाँ पे 3 क्रॉस बनाया है। फिर आप इस साइड बनाएं, यहाँ भी देखिए मैंने एक घर ऊपर से लिया है, तो साइड में मैं क्रॉस बना रही हूँ। यहाँ पर भी 3 क्रॉस बनाएं। फिर देखिए मैंने ऊपर से लिया है, तो यहाँ पर भी एक के ऊपर एक क्रॉस बनाए। मैंने बहुत ही साफ तरीके से इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया है किस तरीके से आप ये डिज़ाइन बना सकती हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक के ऊपर एक क्रॉस बनाया, तो मैंने 5 क्रॉस बनाए हैं। फिर एक घर ऊपर से मैंने लिया है, तो यहाँ पर मैं तिरछी लाइन ले जा रही हूँ। जिन्हें क्रॉस एम्ब्रॉयडरी कुछ भी नहीं आता है किस तरीके से बनाया जाता है ये डिज़ाइन, तो बिगनर के लिए भी मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, अगर आप चाहें तो वो देखकर सीख सकती हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकती हैं, वहाँ पर आपको हमारी सारी वीडियो मिल जाएगी, आप उसे देखकर बना सकती हैं। बहुत सारे डिज़ाइन की भी वीडियो मैंने बनाए हैं, तो आप वो भी देख सकती हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 10 क्रॉस बनाए हैं, फिर मैं ऊपर से बना रही हूँ, तो एक के ऊपर एक मैंने यहाँ पर 5 क्रॉस बनाए हैं। फिर एक घर ऊपर से मैंने लिया है, तो साइड में आप 3 क्रॉस बनाएं। फिर आप इस साइड बनाएं, यहाँ पर भी 3 क्रॉस बनाएं। फिर ये देखिए मैंने ऊपर से लिया है, यहाँ पर भी 5 क्रॉस बनाए, ये मैंने 5 क्रॉस बनाए हैं। फिर एक घर ऊपर से मैंने लिया है, तो ये तिरछी लाइन इस साइड जा रही है। जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले आपको और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। यहाँ पर देखिए मैंने तिरछी लाइन के 10 क्रॉस बनाए हैं, फिर उसके ऊपर से यहाँ पर मैंने 5 क्रॉस बनाए हैं। अब ये वाला डिज़ाइन आप यहाँ पर बना दें, ये देखिए सेम प्रोसेस से मैंने बनाया है। फिर यहाँ से मैंने एक घर ऊपर से लिया है, तो ये तिरछी लाइन इस साइड जा रही है। आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से ये डिज़ाइन बनाएं। ये देखिए मैंने इस तरीके से डिज़ाइन बताया है आप सभी को, सेम प्रोसेस से आप आगे भी बना सकती हैं। अगर आप पूरे बेडशीट में बनाएंगी, टेबल क्लॉथ में बनाएंगी, तो इस तरीके से आप बना लें पूरा। यहाँ पर देखिए मैंने एक घर ऊपर से लिया है, बाहर के साइड, तो यहाँ पर मैंने 4 क्रॉस बना रही हूँ। फिर देखिए मैंने यहाँ से लिया है, तो इस साइड में क्रॉस बना रही हूँ, तो यहाँ पर भी मैंने 4 क्रॉस बनाए हैं। फिर आप देखिए यहाँ से मैंने लिया है, साइड में मैंने देखिए एक घर छोड़ दिया है, यहाँ पर भी मैंने 4 क्रॉस बनाए हैं। फिर देखिए मैंने यहाँ से लिया है, इस लाइन पर भी 4 क्रॉस बनाए। मैंने 4 क्रॉस ही बनाया है, आप सिर्फ ये ध्यान देखें कि किस तरीके से मैं कहाँ से डोर ले रही हूँ, ये आप ध्यान से देख लें। फिर देखिए मैंने यहाँ से डोर लिया है, एक घर देखिए यहाँ पर भी मैंने छोड़ दिया है,
तो यहाँ पर भी 4 क्रॉस बनाएं। फिर मैंने यहाँ से डोर लिया है तो ये लाइन भी 4 क्रॉस बनाएं। अभी तक मैंने जितने भी डिज़ाइन की वीडियो बनाई हैं आप सभी के लिए, तो मैंने हर वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया है ताकि आप लोगों को डिज़ाइन बनाने में कोई भी दिक्कत या परेशानी ना आए। फिर देखिए मैंने यहाँ से डोर लिया है तो एक घर मैंने साइड में छोड़ दिया है तो ये लाइन भी मैंने 4 क्रॉस बनाए हैं। फिर देखिए मैंने यहाँ से लिया है डोर तो ये भी सीधी लाइन बनाएं तो 4 क्रॉस बनाएं। अगर आपको डिज़ाइन बनाने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं। फिर देखिए मैंने यहाँ से डोर लिया है तो यहाँ पर भी मैंने 4 क्रॉस बनाए हैं। फिर देखिए मैं नीचे के सेट यहाँ पर क्रॉस बना रही हूँ तो ये लाइन भी मैंने 4 क्रॉस बनाए हैं। फिर देखिए मैंने यहाँ पर क्रॉस बनाया है तो एक घर मैंने साइड में छोड़ दिया है। यहाँ पर मैंने वीडियो फास्ट कर दिया है थोड़ा, क्योंकि वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया है। सेम प्रोसेस से दोनों साइड का पट्टी मैंने बनाया है तो आप इसे देख कर बना सकती हैं। ये देखिए बन गया है। यहाँ से मैंने 6 घर छोड़ दिया है, 7 घर पे मैंने ये क्रॉस बनाया है। फिर आप ऊपर के साइड एक क्रॉस बनाएं, फिर नीचे के साइड एक क्रॉस, यहाँ पे 3 क्रॉस बनाएं, फिर साइड में 3 क्रॉस की 2 लाइन और दें। मैंने क्रॉस एम्ब्रॉयडरी में ताजमहल भी बनाया है, अगर आप चाहें तो वो भी वीडियो देख सकती हैं प्लेलिस्ट में जाकर। फिर देखिए मैंने यहाँ से डोर लिया है, यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके भी देख सकती हैं। तो एक के ऊपर एक क्रॉस बनाए हैं तो ये मैंने 8 क्रॉस बनाए हैं। फिर एक घर ऊपर से मैंने लिया है, बाहर के साइड मैंने क्रॉस बनाया है। ये लाइन भी मैंने 8 क्रॉस बनाया है। एक घर देखिए मैंने छोड़ दिया है नीचे, फिर मैंने यहाँ पे क्रॉस बनाया है तो एक घर देखिए नीचे मैंने छोड़ दिया है। यहाँ पर मैंने 5 क्रॉस बनाए हैं, यहाँ पर भी देखिए मैंने एक घर छोड़ दिया है तो यहाँ पर मैंने 3 क्रॉस बनाए हैं। आगे भी आप इसी तरीके से पत्ती बनाएंगे सेम प्रोसेस से, लेकिन कहाँ पर बनाना है आप ये देख लें। तो ये देखिए मैंने यहाँ से क्रॉस लिया है तो ये लाइन भी मैंने 8 क्रॉस बनाए हैं। सेम प्रोसेस से आप यहाँ पर भी बना दें, इस साइड ये बन गया है। फिर मैंने यहाँ से क्रॉस किया है तो एक के ऊपर एक, यहाँ पर भी 8 क्रॉस बनाए। ये देखिए फिर मैंने यहाँ से क्रॉस लिया है, नीचे एक घर मैंने छोड़ दिया है तो सेम प्रोसेस में आप यहाँ भी बना दें। ये देखिए बन गया है। फिर मैंने यहाँ पर से लिया है तो यहाँ पर भी एक के ऊपर एक क्रॉस बनाए, ये लाइन भी मैंने 8 क्रॉस बनाए हैं। फिर आप इस साइड बनाएं, नीचे मैंने एक घर छोड़ दिया है, सेम प्रोसेस में आप बना दें यहाँ पर भी। ये देखिए पत्ती बन गया है 4। फिर देखिए मैंने यहाँ से डोर लिया है
तब यहाँ पर क्रॉस बनाएं, तो एक के ऊपर एक यहाँ भी आप एट क्रॉस बनाएं, फिर साइड से बनाएं। तो ये देखिए मैंने नीचे एक घर छोड़ दिया है। ये लाइन भी मैंने एट क्रॉस बनाए हैं, फिर साइड से बनाएं। नीचे एक घर देखिए मैंने छोड़ दिया है। तो यहाँ पर मैंने फाइव क्रॉस बनाए हैं। फिर साइड से बनाएं। नीचे मैंने एक घर यहाँ भी छोड़ दिया है। तो ये थ्री क्रॉस बनाएं। इसी तरीके से आगे भी पत्ती बनेगा सेम प्रोसेस में। सिर्फ आप ये देख लें मैं कहाँ से ले रही हूँ डोर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों को हमारी ये डिज़ाइन पसंद आ रही है। तो आगे भी मैं आप सभी के लिए बहुत सारे डिज़ाइन की वीडियो लाऊंगी। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और किस तरीके का आप डिज़ाइन देखना चाहती हैं, तो मैं आप लोगों के लिए वो भी डिज़ाइन ज़रूर बनाऊंगी। तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस तरीके का कपड़ा ऊन लेना चाहती हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर ले सकती हैं। तो आप घर बैठे ही ये सारे डिज़ाइन बना सकती हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही कम समय में आप डिज़ाइन बना सकती हैं। ये देखिए फूल बनकर कंप्लीट है। अब ये वाला पत्ती आप इस साइड बनाएं, ये फूल इस साइड आप बनाएं। इसी तरीके से आप एक के बाद एक पूरा बॉर्डर लाइन पर बना सकती हैं। ये मैंने थोड़ा सा बताया है, तो आप इसी तरीके से आगे भी बना लें।